नमस्कार, यासी जेके न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामस्वरूप शर्मा। इस वक्त मैं पंचायत कोठियां में मौजूद हूं, जहां पे डीएम रियासी इंदु कनवल चिब जी आए हुए हैं और जहां पे प्रोग्राम चल रहा है रूरल हट का। तो बहुत से कम लोगों को पता है कि रूरल हट में क्या होने वाला है। रूरल हट में जो भी यात्रु आएंगे, जो छिपखोड़ी के लिए जो जाएंगे, वो पहले सबसे पहले जहाँ पे रूरल हट में रुकेंगे, तो जो भी खाने पीने का प्रोग्राम है वो देसी प्रोग्राम सारा चलेगा। वो सारी महिलाएं जहाँ पे मौजूद हैं वो महिलाएं ही बनाएंगी और जो देसी कल्चर प्रोग्राम चलेगा। और डीसी मैडम का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जहाँ पे गरीबी सोर्स है, जो यात्रु आता है जहाँ पे पौनी में नहीं रुकता है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने जहाँ पे रूरल हट बनवाई है और जो भी हमारा देसी का खाद्य पदार्थ खाने वाला सामान होगा वो इधर से आपको मिलेगा। तो आइए अंदर ले चलते हैं आपको, अंदर की दृश्य दिखाते हैं। कोरोना के दौरान हार पहना रहे हो, फूलों के लाए हैं, ओरिजिनल फूलों के लाए हैं। थैंक यू भाई, बैठो बैठो प्लीज। मेरा फोन ले, इधर ले, ये थल्ले की बैठो। मैं मामा इतना बोलिए यार, खादी विलेज बोर्ड से भी आए हैं, थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे सरदार साहब, है ना। और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से आए हैं, जो उम्मीद के ग्रुप हैं जो बने हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर आए हुए हैं और बाकी हमारे अपने सब लोग आए हैं। पंचायत की सरपंचेस बैठी हैं, डीडीसी मेंबर आपकी बैठी हैं, आर्मी से भी कुछ लोग हैं। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि हमने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया है और हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। चल रहा है ना दिमाग में, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एकदम से सबको बुलाया? ये जो जगह जहाँ पर हमने आप लोगों को सबको इकट्ठा किया है, ये जगह आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी जगह बनने वाली है। शेड बन गया, दीवार बन गई, ठीक है। अब यहां पर सभी लोगों को बुलाने का एक मकसद ये था कि सब लोगों को हम ये मशहूरी करें। हमने मीडिया को भी यहाँ रिक्वेस्ट करी कि वो भी आए, कि हम चाह रहे थे कि हम एक एडवर्टाइजमेंट करें कि ये जगह आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले हमने ये जब प्रोजेक्ट आया तो मैंने सोचा कि इसको रस्ते पे बनाते हैं ताकि यात्री को कटरा में, कटरा से वो टूरिज्म से कोई आया, आप आए हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर कोई है? टूरिज्म डिपार्टमेंट से आप आए हैं, बैठिए। कटरा से मीडिया कोई है? अच्छा, हमने कटरा से भी लोगों को, आज एक दो लोग आ रहे होंगे क्योंकि मैं 15-20 मिनट जल्दी आ गई। सो अब कटरा से भी मैंने लोगों को बुलाया। अब यहाँ पर इस रस्ते पे इसको बनाने का रीजन ये है कि हम ये जो शिवखोड़ी का यात्री है इसको एक तो पकड़ें और दूसरा बढ़ाएं। कटरा में जो टैक्सी चलाता है बंदा, जो कटरा में टैक्सी ऑटो चलाता है, वो उन लोगों को हम बताएंगे और आज भी उनकी उनकी तरफ से भी नुमाइंदे आएंगे, उनको हम बताएंगे भाई शिवखोड़ी के रास्ते में एक रूरल डोगरा रूरल हाट चल रहा है, ठीक है। कटरा वालों को बताएंगे, टूरिज्म को इसीलिए बुला लिया हमने, ये जाके कटरा में इनका ऑफिस है, वहां जाके सबको बताएंगे, टैक्सी वालों को, होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, जितने लोग आते हैं रेलवे स्टेशन पे, हम सब जगह लिखने वाले हैं कि शिवखोड़ी में एक डोगरा रूरल हाट चल रहा है, ठीक है। तो आपका यात्री आ गया। अब औरतें मेरी बात ध्यान से सुनना और जो सरपंचेस बैठी हैं वो बहुत ध्यान से बात सुनना जो मैं बोलने वाली होंगी। अब हमने क्यों डीडीसी को और बीडीसी साहब को और डीडीसी दूसरे वालों को क्यों आज बुलाया और पंचायत को, सरपंचेस पीछे भी मैं देख रही हूँ बैठे, इनको क्यों मैंने तकलीफ दी,
क्योंकि पौनी तहसील अकेली तहसील है या ब्लॉक अकेला है जहां पर कि हमने रूरल हाट का पैसा दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं रूरल हाट मैंने नहीं बनाया सिवाय पौनी के, राइट? सिर्फ पौनी में। क्यों? क्योंकि मुझे टूरिस्ट पकड़ना था और टूरिस्ट शिवखोड़ी जा रहा है, राइट? सो इस सारी गेम में हमें रूरल हाट यहां बनाने की सूझी। अब आप देख रहे हो कि रास्ते में से जब गाड़ी आएगी, जब कोई भी गाड़ी, ये चलेगा कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले आप समझ लो कि होगा क्या। गाड़ी जा रही है, वहां से गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी ऊपर आएगी क्या? नहीं आएगी ना, फिर तो यहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। तो गाड़ी को रोकना कहाँ है? अगर गाड़ी को रोकने की जगह आपने नहीं बनाई तो गाड़ी आएगी नहीं, और सारे लोग गाड़ी में आ रहे हैं, पैदल तो कोई आ नहीं रहा। अगर गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं बनाई तो ये खाली वीरान पड़ा रहेगा, कोई यहां रुकेगा नहीं। सो हमने, मैंने तहसीलदार साहब को अब ये रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये सारी सरकार है, ये सारी जगह सरकार है, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि आगे भी हमें जगह दें, राइट? गांव के लोग अच्छा खाना खाते थे, ठीक है? और आपने देखा कि कोरोना ने जितना शहरियों को पकड़ा उतना गांव वालों को नहीं पकड़ा, क्योंकि आपका शरीर, आपका जो पूरा हेल्थ है वो शहरियों से ज्यादा बेटर है। तो हम इस जगह पर हम कोई चीज ऐसी नहीं डालने वाले हैं जो कि शहर में मिलती है, क्योंकि जो चीज शहर में मिलती है अगर मैं उसको वही चीज यहां दूंगी तो यहां रुकेगा क्यों? वो नहीं रुकेगा, वो बोलेगा चिप्स का पैकेट तो मुझे रणसू में मिल जाएगा, पौनी में मिल जाएगा, मैं कोटिया में ही रुकूं, ठीक है? तो हम यहां उनको देंगे क्या? अब पेंटिंग हमने आगे वाली दीवार में शुरू कर दी है, ठीक है? ये पेंटिंग क्यों शुरू करी? ताकि लोग जो जा रहे हैं उनको दिखे कि अच्छा यहाँ कुछ है, और दो चार हम साइन बोर्ड आगे लगा देंगे, जैसे वो नहीं आपकी क्या वो हवेली, कौन सी हवेली है? पंजाबी हवेली 5 किलोमीटर से शुरू हो जाती है, पंजाबी हवेली। हम भी इसका नाम ऐसा ही कुछ रखते हैं, मैं तो अभी सूझ नहीं रहा, आप लोग बताओ कौन सा नाम रखना है, हम एक अच्छा सा नाम रखते हैं, और शुरू से कटरा से शुरू हो जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर यहाँ पहुंच गए, ठीक है? अब यहाँ पर हम रखेंगे क्या? कलाड़ी कुलचा, मक्की की रोटी, साग, हमारा राजमा चावल, हमारा अनारदाने की चटनी, अदरक की चाय, तर्द बनते हैं मैडम, हाँ जो भी बनता है, और क्या कहते हैं उसको, किम्ब, राइट? एंड देन अचार, कचालू, ये रखेंगे। तो जब बैंगलोर से, अब आप सोचो कि आप बैंगलोर रहते हो और आप शिवखोड़ी या वैष्णो देवी आए हो, अब आपका, आप अपने बच्चों को या अपने साथ जो छोटे लोग हैं उनको क्या दिखाने के लिए आओगे? बैंगलोर से कोई यहाँ पर डेनिम की जीन खरीदने तो आएगा नहीं, ठीक है? या कोको कोला पीने तो आएगा नहीं, वो तो सब जगह मिलता है। तो वो यहाँ आएगा कलाड़ी कुलचा खाने के लिए, यहाँ आएगा राजमा चावल खाने के लिए, और यहाँ आएगा गाजर का हलवा खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए। बच्चों को पता ही नहीं है, वो पैकेट की लस्सी पीते हैं, पता ही नहीं है वो ऐसे ऐसे डाल के लस्सी कैसे बनती है। ये सब चीजें हम यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद जब वो, उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ तो वॉशरूम भी है, वॉशरूम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, हमारी तरक्की नहीं होने वाली है, बिजनेस से काम करना है, हर एक घर में 4-5 तरीके होने चाहिए पैसे कमाने के। मार्केट कुदे भी नहीं मिलता है जम्मू के लिए, इतने तक कुदे भी डोगरा कल्चर तुम दिख लो, डोगरा दुकाना दिख लो, कुदे भी क्यों रह रहा है, वो काम कोई भी नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्यों कोई कमी नहीं है, क्यों ऐसी चीज है कि जिले को त्यौहार हो तो बन गया है। और उसमें उन्होंने, तो मुझे यहाँ का आकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी सब सारी महिलाएं उसमें सब जोड़ी हुई है आपने, और 1500 महिलाओं का मैडम ने बताया मुझे, कितने ग्रुप्स हैं तुम्हारे? 435 मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक मौका दिया, मैडम ने मौका दिया हमें बताने के लिए। हमने ऑलरेडी पीएमईजीपी स्कीम के बारे में बताया, बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि देखो मेरे आगे पीछे सब औरतें खड़ी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जब औरतों के साथ मतलब इंसान काम करता है, ये लोग दिमाग लगाते हैं, ध्यान से काम करते हैं। सो
मैं पौनी के लोगों को मुबारक देना चाहती हूँ, पूरी तहसील को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, कि हमारा यहाँ रूरल हाट जो है कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम पूरा डोगरा खाना बनाएंगे, डोगरा खाना खाने को मिलेगा, डोगरा सामान खरीदने को मिलेगा, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना है। और बहुत अच्छे से जो भी टूरिस्ट कटरा से शिवखोड़ी की तरफ आता है वो यहाँ ज़रूर रुकेगा, ये मेरा दावा है। 15-20 दिन और लगेंगे और ये हमारा चलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।